हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज कैसा मूव हुआ और आज की मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसमें कल यानी थर्सडे के दिन आपको कैसी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो कल का दिन एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी ने जिस तरह से आज की मूवमेंट की है, जो भी मूवमेंट हमें कल के दिन देखने को मिली थी वो बैंक निफ्टी ने हमें आज के दिन दिखा दी है। जैसा कि आप देखोगे बैंक निफ्टी ने काफी बड़ी मूवमेंट दिखाई। यहाँ पर इसने ओपन किया 37,800 के आसपास, हाई लगाया इसने अपने रेजिस्टेंस का 8,100 का और फिर आज ही के दिन इसने हमें लो भी दिखा दिया 34,500 के नीचे का, माफी चाहूंगा 37,500 के नीचे का। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एक पैटर्न देखने को मिला है और बैंक निफ्टी ने जिस तरह से आज अपने अपने सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग की है, कल का दिन काफी वोलेटाइल हो सकता है हमारे लिए। कल का दिन देखना पड़ेगा आपको कौन सा जोन आपके लिए परफेक्ट होगा कि आप उसमें ट्रेडिंग करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सको। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हमें देखने को मिला है यहाँ पर, ये जो हमें सपोर्ट देखने को मिला है 37,400 का, इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं टच जरूर करेगा क्योंकि आप देखोगे इसी सपोर्ट से यहाँ इसी सपोर्ट को इसने बेस बनाकर इसमें काफी बड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिली थी। इसी बेस को सपोर्ट बनाकर इसने 38,100 का हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने और आज जिस तरह से इसने क्लोजिंग दी है 37,480 के आसपास, कहीं ना कहीं देखिए एक बार इसको 37,400 के लेवल को तो टच करेगा ही करेगा। हो सकता है कल के दिन आपको थोड़ा सा गैप डाउन के ऊपर देखने को मिल जाए लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी में एक बाई साइड जरूर देखने को मिलेगी हमें, चाहे भले वो बाई साइड हमें सिर्फ 150 से 200 पॉइंट की हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें एक खास पैटर्न देखने को मिला। अगर आप देखोगे यहाँ से बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ और यहाँ से फिर एक सीधा हमें एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली। जिस तरह से आप देखोगे करेक्शन करके मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई थी उसी तरह से उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप देखो कि यहाँ पर हमें एक सीधा डाउनफॉल देखने को मिला है जो कि ऑब्वियसली हमें कल के दिन यहाँ तक जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक जब बैंक निफ्टी गिरेगा अपने सपोर्ट के आसपास आएगा तो हमें करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, वो होगा 37,700 के आसपास का, जरूर हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा 37,750 के आसपास का। उसके बाद भले ही बैंक निफ्टी फिर वहां से एक बड़ा डाउनफॉल दिखा दे लेकिन हमें कल के दिन एक छोटा सा करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा, उस करेक्शन का आपको वेट करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं फिर से एक बार सपोर्ट बना दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। बैंक निफ्टी अगर कल के दिन गैप डाउन ओपन करता है, देखिए गैप डाउन ओपन करने का रीजन है कि अगर वो 37,300 के नीचे ओपन कर देता है, बैंक निफ्टी अगर 37,300 के नीचे ओपन करता है तो फिर तो आपको एक सीधा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो कि होगा 37,100 के आसपास का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं करेगा, अपने आप को सस्टेन करते हुए 37,400 के आसपास ये ओपन करता है और वहां से एक छोटा सा रेड कैंडल हमें जरूर देखने को मिलेगा। देखिए जब ओपनिंग होगी बैंक निफ्टी की तो वो एक डाउनफॉल में ही होगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि जिस तरह से आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, कल का दिन हमें जो पहली कैंडल देखने को मिलेगी वो ओपनिंग डाउनफॉल में ही होगी। अब देखिए मार्केट कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कोई गैप को ओपनिंग कर दे वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से आज की बैंक निफ्टी क्लोजिंग है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं 34,400 के आसपास ही ओपन करेगा। अगर 34,400 के आसपास से बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट करता है तो आपको जो बाय का लेवल देखने को मिलेगा वो आपको वेट करना है, आपको इस कंडीशन का वेट करना है जब दोबारा से बैंक निफ्टी यहाँ पर इस लेवल के आसपास आएगा। यानी कि अगर बैंक निफ्टी नीचे से आकर 34,400 के आसपास ओपन करके और यहाँ से 37,500 के ऊपर निकलना शुरू करता है, आपको ध्यान रखना है अगर 37,500 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है जो कि आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 37,650 का। यहाँ पर आपको 37,650 का पहला लेवल आपको 150 पॉइंट का आपको देखने को जरूर मिल जाएगा क्योंकि यही 150 पॉइंट का आप देखोगे यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये लेवल हमें जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 37,400 के आसपास ओपन करता है, अपने सपोर्ट के पास ओपन करता है, इसी सपोर्ट को होल्ड करता है और यहाँ से ऊपर की साइड में निकलता है, अगर ये 37,500 के ऊपर निकलेगा तो आपको 37,650 का आपको पहले टारगेट देखने को मिल जाएगा, जो अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको 37,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए बात करें अगर डाउनफॉल की तो अगर सीधे ही बैंक निफ्टी यहाँ से 37,400 के नीचे निकलता है तो हमारे लिए सेल का साइड नहीं होगा क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बड़ी मूवमेंट दिखा चुका है, यहाँ पर जो हमें सीधी मूवमेंट देखने को मिली है 38,100 से 38,400 के आसपास की, ये काफी 600-700 पॉइंट की हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं करेक्शन आने के बाद अगर वहां से रिवर्स होता है, अगर यहाँ से करेक्शन आता है फिर यहाँ से डाउनफॉल होगा तो वो डाउनफॉल काफी अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी सीधे ओपन ही करता है 37,300 के नीचे
और वहां से अगर नीचे को निकलता है तब भी आपको 37,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हमें फ्यूचर के बारे में बात करना है कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना तो वो आपके लिए कौन सा पैटर्न देखना पड़ेगा। तो देखिए जब बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर से निकलता है यहाँ पर 37,400 के आसपास ओपन करके 37,500 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर आप 37,500 की ऑप्शन में आप एंट्री करके वहां पर आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा पहला टारगेट होगा 37,650 का, उस मूवमेंट में वो मूवमेंट काफी फास्ट होगी, क्योंकि अगर नीचे से बैंक निफ्टी बढ़ना स्टार्ट करेगा तो आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बात करें अगर सेल के लिए तो देखिए सेल के लिए दो ऑप्शन हमें जरूर देखने को मिलेंगे, एक जब बैंक निफ्टी 37,800 के आसपास से रिवर्स करेगा उस कंडीशन में आपको एक अच्छा सेल पैटर्न देखने को मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 37,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस होल्ड करेगा वहां से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप 37,700 की कॉल में एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि देखिए जो हमारी 37,300 के नीचे सेल करना, जो हमारी ये लेवल देखने को मिले, ये काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी ऑलरेडी डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक अपसाइड दिखाता है और यहाँ को 37,800 के नीचे से एक रिवर्स होता है, 37,800 के आसपास रिवर्स होकर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो वो डाउनफॉल आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप 37,700 की पुट में आप एंट्री करके भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, और 37,700 के नीचे आप इसको सेल करके भी आप एक अच्छा इसमें प्रॉफिट ले सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर आपको लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी के लेवल्स मिलते रहेंगे, आपको ऑप्शंस में किस प्राइस पे आपको एंट्री करना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको आप स्टॉक्स का, एंजल ब्रोकिंग का और जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, तीनों में से किसी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, अकाउंट ओपन होने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।